had an exclusive conversation with Neetu Ganga's Karishma Singh. Got us that exclusive conversation. Listen in. Joining me is the gold medalist in boxing, 48 kg category, Neetu. Neetu, many congratulations. Gold medal jeeta hai aapne India ke liye. Thank you, ma'am. Neetu, kitna important tha aapke liye ye gold medal jeetna, jis tarike ka aapka struggle raha hai. Mary Kom se aapka trial tha aur uske baad wo injured ho gayi, aap commonwealth game mein aayi, to kahin na kahin gold medal jeet kar aapne apna point dikha diya. पहले से ही यही सोच के आई थी कि मुझे यहाँ से अभी कॉमनवेल्थ गेम से गोल्ड मेडल ही लेकर जाना है. जो मैंने ट्रेनिंग की है, मैं वो चाहती थी कि मैं अपना 100% रिंग में दे पाऊँ और मैंने वो दिया. नीतू, जैसा मैंने कहा, आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही है, आपके फैमिली की स्ट्रगल रही है, स्पेशली आपके फादर की जो सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़े आपको बॉक्सिंग में ऊपर पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये उनका भी एक सपना रहा होगा आपको मेडल जीतते हुए देखना. मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मतलब मेरे पापा ने शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है. उन्होंने अपने जॉब तक भी दांव पर लगा दी थी और मेरे साथ ही मेरा इतना सपोर्ट किया डाइट का और सब, तो उसका आज मुझे खुशी हो रही कि हाँ मैंने उसके गोल्ड मेडल मैंने जीता है. यहाँ तक आई हूँ मैं. बहुत इमोशनल भी लग रहे हो आप इस वक्त पर. मुझे फ्लैग ऊपर जाना और नेशनल एंथम बजना शायद कर देता है वो इमोशनल. तो हर एक प्लेयर अपनी लाइफ में यही सोचता है कि वो इस मोमेंट को कर पाए. तो वहां पे जाने के बाद तो ऐसे हो जाता है. कुछ कहना चाहते हो और गोल्ड मेडल दिखा दो एक बार नीतू, जो आपने अपनी कड़ी मेहनत से जीता है. नीतू, हमने देखा किस तरीके से इंडिया में भी आपकी बातें हो रही हैं, पीएम भी ट्वीट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब देखने का समय मिला है आपको सोशल मीडिया पर? नहीं, अभी टाइम भी नहीं मिला है, अभी जाके देखूंगी. नीतू, आगे के अब आप कौन से टूर्नामेंट्स पे कंसंट्रेट करने वाले हो और किस तरीके से आप सीडब्ल्यूजी गोल्ड मेडल से अब आगे अपने करियर में बढ़ोगे? अभी जो भी टूर्नामेंट होंगे आगे के लिए मैं उनकी अपने तैयारी और भी ज्यादा फोकस से करूंगी. इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है इस मेडल से, तो मैं अभी और भी ज्यादा मेडल लेकर आऊंगी देश के लिए. और अपना आइडल किसको मानते हो आप नीतू बॉक्सिंग में? एमसी मेरी कॉम को अपना आइडल मानती हूँ. मैंने मैम के बाउट देखती हूँ, उनके बारे में इंटरव्यू सुनती हूँ. नीतू, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आप भारत आएंगे तो हम आपसे जरूर मिलकर फिर से एक इंटरव्यू करेंगे. थैंक यू. थैंक यू.